मैं हूं आसिफ जाफरी और आप देख रहे हैं ऑन दी गो विद जाफरी। मुखी हाउस हैदराबाद में मौजूद हूं। ये एक म्यूजियम भी है। 2020 में इसको एक म्यूजियम का दर्जा मिला। 1920 में यहाँ पे तामीर की गई। जो यहाँ पे मुखी फैमिली थी, जैतिंदन एंड गोपिन राम, ये दो मुखी फैमिली के सरबरा थे। वो यहाँ पर रहा करते थे। उनकी एक बेटी होती थी, उनका नाम था धर्म मुखी। ये बिल्डिंग उन्हीं लोगों से बिलोंग करती है। 1954 में उनको यहाँ से जाना पड़ा आफ्टर पार्टीशन। उसके बाद ये बिल्डिंग जो है सरकारी स्कूल के तौर पे भी यूज़ की गई, सेटलमेंट ऑफिस के तौर पे भी यूज़ की गई, एफसी फोर्स भी यहाँ पे रही। तो इस बिल्डिंग की हालत जो थी वो बहुत खस्ता हो गई। 2008 में इसको महकमा आसारे कदीमा में लिया गया और उन्होंने इसको अनथक मेहनत के बाद इसकी चीज़ें जमा करके, इसकी हिस्ट्री जमा करके इसको इस हालत में, यानी कि इतनी खूबसूरत कंडीशन में पहुँचाया। 2013 में मुखी फैमिली से अमेरिका में राबता करके उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया, ख़ास तौर पे दावत की गई उनकी और उनसे परमिशन ली गई और उन्होंने इजाज़त दी कि इस जगह को एक म्यूज़ियम का दर्जा दिया जाए। उस फैमिली ने इधर विज़िट किया और वो आके बहुत खुश हुए कि हमारी जो आबाओ अजदाद की जगह थी, जिसको इतना खूबसूरत बनाया हुआ था, इन्होंने इतने अच्छा संभाल के रखा है। ये जगह जो है ये यहाँ की म्यूज़ियम का हिस्सा है। सारा इन्होंने एंटीक्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। कुछ बहुत ओल्ड कदीमी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें आप मेरे बैक साइड पे, ये सहन है। इसका आर्किटेक्ट देखें, ये जो सीढ़ियां हैं ये लोहे की सीढ़ियां जो कि रूफ टॉप तक जा रही है। जवाहरलाल नेहरू विद मुखी फैमिली एट मुखी हाउस हैदराबाद 1944 में जो नेहरू थे वो यहाँ पर इस घर के अंदर थे। ये जवाहरलाल नेहरू ये रहे। यहाँ पर इनका लिविंग एरिया है। ड्राइंग रूम है, बहुत खूबसूरत कॉफी टेबल। उस जमाने के टाइल्स लगे हुए हैं, उस जमाने का टेलीफोन भी रखा हुआ है आप देखें। ये एक सकाफती, एक ट्रेडिशनल स्विंग है, झूला है। ये बेडरूम है, इतना खूबसूरत बेडरूम है, मैं आपको दिखा। छोटा सा सोफा लगा हुआ है। एक और बेडरूम आ गया है।
खिड़की लगाई हुई है कि सिर्फ आप नीचे देख सकते हैं, जिसे आपको कोई ऊपर नहीं देख सकता। अब हम जा रहे हैं रूफ टॉप, यानी कि इसकी छत। मैं हूँ रूफ टॉप पे। ये जो एक जगह बनी हुई है, इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है, ये कहते हैं कि इनका मंदिर हुआ करता था, जहाँ पे अपनी इबादत किया करते थे। बहुत खूबसूरत रूफ टॉप है। जो पेविंग है बहुत खूबसूरत, पूरी छत पे लगी हुई है।